सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आज हम अपनी सेकंड क्लास इंग्लिश ग्रामर बुक का चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे, जिसमें हम यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड सीखेंगे। हैज, हैव और हैड का प्रयोग सीखेंगे। प्यारे बच्चों, हैज और हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस के लिए यानी वर्तमान काल के लिए यूज होता है, और हैड का इस्तेमाल हम पास्ट टेंस के लिए यानी भूतकाल के लिए करते हैं। तीनों का ही मतलब होता है पास्ट है, रखा है, ठीक है। पर हैड का मतलब था, होता है पास्ट था, रखा था। मैंने बोला मेरे पास एक कार है, ठीक है, तो है यानी हैज और हैव आएगा। मैंने बोला मेरे पास एक कार थी, थी मतलब पहले थी, अब नहीं है, तो हम हैड का इस्तेमाल करें, ठीक है। बच्चों, हैज जो है वो सिंगुलर के साथ यानी ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या कोई नाम है तो इस हैज आएगा। हैव जो है वो प्लूरल के साथ, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, डे के साथ हैव आता है। और हैड जो है वो ही, शी, इट, डे, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ ही हैड आता है। पर जो बात है वो पास्ट में होनी चाहिए, मींस वो भूतकाल की बात होनी चाहिए, तब हैड आएगा। आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, शी हैज टू टॉय, उसके पास दो खिलौने हैं, तो है तो क्या आया, हैज आया। आई हैव टू कार, मेरे पास दो कार है, तो आई के साथ क्या आया, हैव आया। और अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान काल की बात हो रही है, तो क्या आया, है आया। रवि हैड फाइव पेन, रवि के पास पांच पेन थे। अब जब भी थे आता है तो क्या आता है, हैड आता है, ठीक है। चलिए, जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, प्यारे बच्चों सेंटेंस जो है वो तीन टाइप से बनते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस और एक होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब वो सेंटेंस जिसमें नॉट आता है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी वो सेंटेंस जिसकी शुरुआत हैड या हैव से होगी, या फिर जिसकी शुरुआत में क्या आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। मैंने बोला क्या तुम्हारे पास दो पैर है, क्या तुम्हारे पास घर है, क्या तुम दिल्ली में थे, ठीक है, तो वो सेंटेंस जिसकी शुरुआत क्या से होती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हैज मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है, मैंने आपको बताया था, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गाय के दो कान होते हैं, काउ हैज टू ईयर, रीना के पास दो घड़ियां हैं, रीना हैज टू वॉचेस, ठीक है। हैव का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, आई, वी, यू, दे, दीस, दोस। उनके पास एक कुत्ता है, दे हैव अ डॉग। लड़कियों के पास कुछ संतरे हैं, गर्ल्स हैव, गर्ल्स यानी बहुत सारी लड़कियां, तो हैव आया। दे यानी बहुत सारे लोग, तो हैव आया। हैड जो है वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ होता है, बट उस लास्ट में जब रखता है, पास्ट था आना चाहिए लास्ट में, ठीक है, था, थी, थे आना चाहिए। मैंने कहा उसके पास पर्स था, अब था आ रहा है तो क्या हम यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे, दे हैड अ पर्स, ठीक। नेगेटिव सेंटेंस में हैज, हैड, हैव के तुरंत बाद नॉट आएगा, ठीक है। मैंने कहा उसके पास दो स्कूटर नहीं है, दे हैड नॉट टू स्कूटर। मैंने बोला राम के पास दो घड़ी नहीं है, राम हैज नॉट टू वॉच। उसके पास एक टीवी नहीं था, ही हैड नॉट अ टीवी। हैड के बाद नॉट आया, हैव के बाद नॉट आया, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब हैड और हैव स्टार्टिंग में आ जाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। मैंने बोला क्या तुम्हारे पास पेन है, हैव यू अब पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है। मैंने बोला क्या तुम्हारे पास एक घोड़ा है, हैड यू अ हॉर्स, ठीक है। चलिए बच्चों, अगर मुझे इनसे पहले क्या,
क्यों, कैसे, कहां पूछना है, तो वो हैड से जस्ट और हैड हैव से जस्ट पहले आएंगे। जैसे वेन यहाँ पर आया हैड से पहले, बट यहाँ हैड हैज से जस्ट पहले आया। ठीक है, चलिए ये था हमारा चैप्टर नंबर 18 बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।